लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पुलिस मुखिया भूपेंद्र सिंह यादव के आह्वान पर जयपुर के सभी पुलिस स्टेशनों पर जरूरतमंदों को खाना वितरित किया जा रहा है। श्याम नगर थाना इलाके में भी ऐसा ही देखने को मिला है, जहां पर पुलिस ने करीब 2 लाख से ज्यादा गरीब और जरूरतमंदों को अब तक भोजन वितरित किया है। खास बात तो ये भी है कि कोरोना के बीच सोशल डिस्टेंस की नीति को अपनाकर पुलिस कर्मियों द्वारा ये खाना वितरित किया जा रहा है। वहीं इस सहयोग को लेकर आमजन और जरूरतमंद लोग पुलिस कर्मियों की सराहना कर रहे हैं। थाना प्रभारी संतरा मीणा की माने तो जब लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक गरीब और जरूरतमंद लोगों को सुबह शाम खाना वितरित किया जाएगा। लॉकडाउन से लेके जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये कंटिन्यू चालू है भोजन वितरण का, मतलब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं कई उन्हीं के सहयोग से हम कर रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम तो लगभग 5 से 7 हज़ार पैकेट्स डेली बांटे जा रहे थे लोगों को, बांटे क्या जा रहे थे, सोशल डिस्टेंस में बिठा के उनको वितरित किया जा रहा, जो भी मजदूर आ रहे थे उन सबको खाना, बिना खाना खाए कोई भी मजदूर नहीं जा रहा था। उसके बाद में वो मजदूर रवाना हो गए, कुछ बचे उनको भी रखा, उसके बाद भी खाना उनको बराबर देते रहे। हमारे यहाँ टेंट लगवाया, उस टेंट में हमने एक ASI 2 कांस्टेबल बिठा रखे हैं सोशल डिस्टेंस बना के रखने के लिए। बाकी जो सोशल वर्कर हैं वो आते हैं खाना, उनके पैकेट्स दे के जाते हैं, उसी खाने को हम बंटवा